मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया। उनको यह खिताब पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बनी टुंडो ने पहनाया। तो दोस्तों, इस बार का जो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब हुआ वह मिला है मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं और समझते हैं कि यह मिस यूनिवर्स 2020 में क्या क्या हुआ है, इसमें कौन रनर अप रहे, कौन विजेता रहे और किस किस देश के जो प्रतिनिधित्व किए थे उनके बारे में भी सारी जानकारी को देखेंगे। तो जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि करंट अफेयर्स रिलेटेड यह जानकारी सभी को मिलती रहे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं। तो यह मिस यूनिवर्स 2020 का इवेंट फ्लोरिडा यूएसए में आयोजित किया गया था और यह 69th यानी कि 69वां संस्करण था। तो यह 69वां संस्करण था और इसका आयोजन यूएसए के फ्लोरिडा शहर में किया गया था। इसमें विजेता बनी मेक्सिको की एंड्रिया मेजा, रनर अप रही ब्राज़ील की जूलिया गेमा, सेकेंड रनर अप रही पेरू की जैनिक मेसिटा डेल कैस्टिलो, थर्ड रनर अप रही भारत की एडलिन कैस्टेलिनो और फोर्थ रनर अप रही डोमिनिक रिपब्लिक की किम्बरले जिमिनेज रोड्रिगेज। तो यह इनकी विजेता और उपविजेताओं के नाम है, साथ ही साथ रनर अप जो जो थे उनके बारे में भी है। तो विजेता हैं उनका नाम तो आपको याद हो गया होगा, एंड्रिया मेजा, रनर अप रही ब्राज़ील की जूलिया गेमा, सेकेंड रनर अप रही पेरू की जैनिक मसीटा डेल कैस्टिलो, थर्ड रनर अप रही अपने देश भारत की एडलिनो कैस्टेलिनो और चौथी रनर अप रही डोमिनिक रिपब्लिक की किम्बरले जिमिनेज रोड्रिगेज। तो आपको यहाँ पर विजेता और उपविजेता के बारे में तो अच्छे से जानकारी को ध्यान में रखना ही है। इससे पहले एंड्रिया मेजा मिस मेक्सिको 2020 बन चुकी है। तो मिस यूनिवर्स 2020 बनने से पहले ये जो एंड्रिया मेजा है वह मिस मेक्सिको 2020 बन चुकी हैं। इस कोरोना काल में इनसे सवाल भी पूछा गया था और इसके बाद ही विजेता उपविजेता की घोषणा हुई। तो दोस्तों, अभी कोविड 19 पेंडेमिक के चलते इनको यहाँ पर कोरोना से यानी कि कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, इसके बाद ही यहाँ पर विजेता उपविजेता की घोषणा हुई थी। तो एंड्रिया मेजा को जो पूछा गया सवाल था वह क्या था, इसके बारे में देखते हैं। तो एंड्रिया मेजा को जो पूछा गया सवाल था वह था, यदि आप अपने देश की लीडर होती तो आप कोविड 19 महामारी को कैसे हैंडल करती। तो यह था इनको पूछा गया सवाल। यहाँ पर दोस्तों अपने देश भारत की भी एक प्रतिनिधित्व करने वाले थे जिनका नाम मैंने भी बताया, एडलिन कैस्टेलिनो। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो यह चौथे नंबर यानी कि थर्ड रनर अप रही मिस यूनिवर्स 2020 में। इनका जन्म कुवैत में हुआ है लेकिन इनके माता पिता मंगलोर कर्नाटक के हैं और इनकी जो नागरिकता है वह भारतीय है। तो दोस्तों, ये जो भारत की एडलिन कैस्टेलिनो हैं उनका जन्म कुवैत में हुआ है लेकिन इनके माता पिता मंगलोर कर्नाटक के हैं और इनकी जो नागरिकता है वह भारतीय है। मिस यूनिवर्स 2020 में यह थर्ड रनर अप से पहले लिवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 में भारत की प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तो इस इवेंट में जाने से पहले ये लिवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 में भारत की प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इनको भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनको जो पूछा गया सवाल था वह था कि क्या देशों को कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा देना चाहिए जबकि अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा, या फिर अपना बॉर्डर खोलकर संक्रमण की दर बढ़ने देनी चाहिए। तो यह इसको पूछा गया सवाल था, क्या देशों को कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा देना चाहिए जबकि अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा, या फिर अपना बॉर्डर खोलकर संक्रमण की दर बढ़ने देनी चाहिए। यह इनको क्वेश्चन पूछा गया सवाल था। अब इसका जवाब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया था। तो यह इनका जवाब था, भारत से आई हूँ इस वजह से और इंडिया इस समय जो झेल रहा है मुझे एक बहुत अच्छा बात का एहसास हुआ, आपके अपनों की हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपको अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों के बीच सामंजस्य बनाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और कुछ ऐसा करे कि इकोनॉमी को भी
मदद मिले। तो यह इसका जवाब था, इनका जवाब था कि भारत से आई हूँ इस वजह से और इंडिया इस समय जो झेल रहा है, मुझे एक बहुत अहम बात का एहसास हुआ, आपके अपनों की हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपको अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों के बीच सामंजस्य बनाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और कुछ ऐसा करे कि इकोनॉमी को भी मदद मिले। तो यह इनका जवाब था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो है वह मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिला और रनर अप रही ब्राज़ील की जूलिया गेमा। तो आपको ये दोनों नामों को तो ध्यान में रखना ही है। साथ ही साथ भारत की जो प्रतिनिधित्व करने वाली थी एडलिन केस्टेलिना, इसके बारे में भी जानकारी ध्यान रखना है, और यह थर्ड रनर अप रही थी। थैंक यू दोस्तों।